एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, जब पार ब्रह्म परमेश्वर ने इस सृष्टि को रचा, उस परम ब्रह्म ने अपने अनंत प्रकाश से ब्रह्म पुरुष को रचा जिसको ब्रह्मा कहा गया, और ब्रह्मा के हृदय में उस परमेश्वर ने जगत कल्याण की भावना को रचा, उन ब्रह्मा के मुख से उच्चारित हुआ सर्वे भवन्तु सुखिनः, इस सृष्टि में पैदा होने वाले सभी जीवात्मा सुखी बसें, सर्वे संतु निरामया, किसी को कष्ट आदि व्याधि और बीमारियां ना हो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, इस जगत में पैदा होने वाले देवता मनुष्य पशु पक्षी अपने नेत्रों से सदा कल्याण को देखें, कल्याणकारी मार्गों पे वो विचरण करें, मां कश्चित दुख भाग भवेत, किसी को भी दुख विषाद अशांति का सामना ना करना पड़े। इन लाखों करोड़ों अरबों खरबों सितारों के बीच हमारी ये पृथ्वी भी एक छोटा सा तारा है, और इन कोटि कोटि ब्रह्मांडों को रचने वाला वो आदि पुरुष, वो सनातन ब्रह्म, वो सृजनहारा एक ही है। हो सितारों के बीच ये धरती एक छोटा सा तारा, एक छोटा सा तारा, लाखों सितारों के बीच ये धरती एक छोटा सा तारा, एक छोटा सा तारा। इतने बड़े ब्रह्मांड का एक ही सृजनहारा, एक ही सृजनहारा। इतने बड़े ब्रह्मांड का एक ही सृजनहारा, एक ही सृजनहारा। लाखों सितारों के बीच ये धरती एक छोटा सा तारा, एक छोटा सा तारा। इस धरती पर रहने वाले ओछे काम करते हैं, अपने प्रियजनों को ही दुख देते हैं, जीवन भर उनको अशांत और परेशान किए रहते हैं। उस परमेश्वर ने हम मनुष्यों को तो इसलिए बनाया कि हम आपस में प्यार से रहें, एक दूसरे के दुख सुख में काम आवें,
किंतु हमारे भीतर ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ, झूठ, कपट, इन सब बुराइयों ने हमारे जीवन को अंधकार भरे कीचड़ में फेंक दिया। इस धरती पर रहने वाले करते ओछे काम, इस धरती पर रहने वाले करते ओछे काम, अपनों को ही दुख देते करते हैं परेशान, लाखों सितारों के बीच ये धरती एक छोटा सा तारा, एक छोटा सा छोटी अकल, छोटी बातें, कदम कदम पे तकरार, बांट दिया मंदिर मस्जिद में इस धरती का प्यार। वो परमात्मा किसी मकान में समा नहीं सकता, ना स्वर्ग में, ना पाताल में, ना धरती पर, तो फिर जरा जरा से मकानों में वो किस तरह से समाएगा। उसका प्रकाश तो हम सब के आर पार बहता रहता है, और हम अपनी अज्ञानता से ये समझते हैं कि ये मंदिर में रहता है, ये मस्जिद में रहता है, ये इस पेड़ के नीचे रहता है, ये उस जलाशय में रहता है। कैसी छोटी बुद्धि, कैसी छोटी छोटी हम लोगों की बातें हैं। छोटी अकल, छोटी बातें, कदम कदम तकरार, छोटी अकल, छोटी बातें, कदम कदम तकरार, बांट दिया मंदिर मस्जिद में इस धरती का प्यार, लाखों सितारों के बीच ये धरती एक छोटा सा तारा, एक छोटा सा तारा। इस मनुष्य जाति की अज्ञानता तो देखो, कोई उस आसमान वाले को प्रसन्न करने के लिए गाय काटते हैं, बकरे काटते हैं, पशु पक्षियों की हत्या करते हैं, और उसके नाम पर फिर खुद ही उनको खा लेते हैं। कोई गाय को काटते हैं, कोई गाय को माता बता के उसकी पूजा करते हैं, तो कोई भगवान को चर्च में, गिरजाघर में शराब का भोग लगाता है उस भगवान को। कैसी नासमझी हम मनुष्यों की है, तो पहाड़ में, पौड़ी क्षेत्र में एक दिन में ही देवी के नाम पर 5,000 बकरों का सर काट दिया जाता है, और सर काटने वाले सोचते हैं ये देवी माता बड़ी प्रसन्न हो रही है। इस सृष्टि को बनाने वाला
जिसने मनुष्यों को बनाया, जानवरों को बनाया, इस खून खराबे को देख के बड़ा प्रसन्न है। कोई शिल्पकार है, मूरत बनाता है, कभी आदमी की, कभी पशु की, कभी पक्षी की, और आप उसकी रचनाओं की तारीफ करने के बजाय उनको तोड़ फोड़ देते हैं, तो वो शिल्पकार तुमसे नाराज होगा या खुश होगा? नाराज ही होना। कोई गाय को काटते, कोई गाय को माता बताते, कोई गाय को काटते, कोई गाय को माता बताते, कोई चर्च में मदिरा का भगवान को भोग लगाते, लाखों सितारों के बीच ये धरती एक छोटा सा तारा, एक छोटा सा तारा। जिस भगवान ने देवताओं को बनाया, मनुष्यों को बनाया, मनुष्य उसकी मूरत बनाते हैं कि ये विष्णु है, ये सर्वव्यापी है, ये शिव है कि परमात्मा कल्याण करने वाला है, कि ये ब्रह्मा है परमात्मा। उस निराकार निरंजन ज्योति स्वरूप ने इतनी अनंत अनंत सृष्टियों को रचा, और हम मनुष्य जरा से पत्थर को तराश के सोचते हैं ये भगवान है। असंख्य सितारे, ग्रह उपग्रह, अनंत अनंत ब्रह्मांड, इन सितारों को गिनने बैठे तो लाखों बरस लग सकते हैं। उन असंख्य सितारों में एक छोटा सा हमारा ये सितारा, जिसको हम पृथ्वी कहते हैं, और इस पृथ्वी में जरा से गांव में बैठ के, जरा से शहर में, शहर के एक मोहल्ले में, मोहल्ले की एक गली में बैठ के हम अहंकार भरी बातें करते हैं कि परमात्मा के विषय में जो मैं कह रहा हूं वो ही अंतिम सत्य है। ये हम मनुष्यों की मूर्खता नहीं, बेवकूफी नहीं, तो और क्या है? एक मनुष्य परमात्मा की कल्पना मनुष्य की तरह ही कर सकता है कि उसका मुंह होगा, आंखें होंगी, हाथ पैर होंगे? नहीं, वो तो अनंत ऊर्जा का स्रोत है, वो तो अनंत प्रकाश है, और वो तो प्रकाश को भी उत्पन्न करने वाला, असंख्य असंख्य सृष्टियों को संचालित करता रहता है। जिस भगवान ने सबको बनाया, मूरत उसकी बनाते, जिस भगवान ने सबको बनाया, मूरत उसकी बनाते, जरा सी धरती पे, जरा सी गली में बैठ के बात बनाते, लाखों सितारों के बीच ये धरती एक छोटा सा तारा, एक छोटा सा तारा।
दिन दो शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं, तो कभी कहते हैं गणेश जी दूध पी रहे हैं। ऐसे ही जैनी तीर्थंकरों की मूर्ति पर दूध से अभिषेक करते हैं, कितना दूध बहाते हैं, और कितने गरीब बच्चे दूध की जगह हमारे देश में रात को पानी पीकर सोते हैं। उनके विषय में हम नहीं सोचते कि वे बच्चे उस भगवान के ही हैं। हम दुरुपयोग करते रहते हैं, परमात्मा की दी हुई वस्तुओं का सदुपयोग करना हम लोग कब सीखेंगे। जो परमात्मा के अपने हाथ की बनाई हुई मूर्तें हैं, गरीब अमीर, साधु चोर, अच्छे बुरे, इनकी सेवा, इनकी मदद करने से वो सनातन ब्रह्म, वो जगत का सृजनहार प्रसन्न होता है। हिंदू जैनी मूर्तों पे कितना दूध बहाते, हिंदू जैनी मूर्तों पे कितना दूध बहाते, कितने बच्चे दूध की जगह पानी पी के सो जाते। इतना दूध हम गरीब बच्चों को भी पिला सकते हैं तो शायद भगवान ज्यादा संतुष्ट होगा। लाखों सितारों के बीच ये धरती एक छोटा सा तारा, एक छोटा सा तारा, हिंदू धर्म में परंपरा में विधवाएं सफेद वस्त्र पहनती हैं, तो ईसाइयों में दुल्हने श्वेत परिधान पहनती हैं। ईसाइयों में कोई मर जावे तो वे काले वस्त्र पहनते हैं, और मुसलमानों में शादी विवाह होता है तो लड़कियां काले रंग का बुर्का ओढ़ती हैं। अलग अलग परंपराएं, अलग अलग चाल चलन, किंतु हम मनुष्यों के सुख और दुख, हमारे आंसू, हमारी मुस्कानें एक जैसी हैं। हम सभी के हृदय एक जैसे हैं। कहीं विधवा पहने सफेद, कहीं दुल्हन सफेद पहनती, कहीं विधवा पहने सफेद, कहीं दुल्हन सफेद पहनती, कहीं मरे पर काला, कहीं शादी में काला पहनती। लाखों सितारों के बीच ये धरती एक छोटा सा तारा, एक छोटा सा तारा। पंडे पुजारी झूठ बोल के लोगों को भ्रमित करते रहते हैं, किसी पर भूत बता देते हैं, किसी को बीमारी है तो कहते हैं तुझ पर तो कोई चुड़ैल है,
किसी के घर में हवा, प्रेत आत्माएं, ऐसा बता के उनसे तरह तरह के कर्म कांड कराते हैं। और तो और साधु सन्यासी गंगा स्नान करने जब जाते हैं, पहले हमारा अखाड़ा स्नान करेगा, पहले हमारा अखाड़ा नहावेगा, इतनी सी बात पर तलवारें चला देते हैं, एक दूसरे का सर काट देते हैं। ये कैसी धार्मिकता है, ये कैसा स्नान है, ये कैसी पूजा है। और कुंभ में मेला उजड़ जाता है साधुओं के अखाड़ों के नीचे से रेत में दबी हुई महिलाओं की लाशें बरामद होती हैं। ये कौन सा साधुत्व है, ये कैसा सन्यास है, ये समाज को किस तरह की हम शिक्षा दे रहे हैं। पंडे पुजारी झूठ बोलते, किसी पे भूत बताते, पंडे पुजारी झूठ बोलते, किसी पे भूत बताते। गंगा नहाने के पीछे साधु तलवार चलाते, लाखों सितारों के बीच ये धरती एक छोटा सा तारा, एक छोटा सा तारा। मरे हुए लोगों की मजार पर जगह जगह मुल्ला बैठे रहते हैं, कहेंगे मुर्गा चढ़ा दो, चादर चढ़ा दो, तुम्हारा ये काम बन जाएगा, तुम्हारा वो काम बन जाएगा। और देखो मूर्खों की लाइनें लगी रहती हैं मजारों पे, और वही मुल्ला मौलवी अपने लोगों को क्या बताते हैं, जहां काफिर मिले उनको मारो, जला दो, उनके घरों में आग लगा दो, उनकी औरतों को उठा लो, ये जन्नत का रास्ता है जो भगवान ने तुमको बताया है। मरे हुओं की मजार पे मुल्ला मुर्गे चादर चढ़वाते, मरे हुओं की मजार पे मुल्ला मुर्गे चादर चढ़वाते, काफिरों को मारो ये जन्नत का रास्ता बताते, लाखों सितारों के बीच ये धरती एक छोटा सा तारा, एक छोटा सा तारा। ये संसार आधा देवलोक और आधा असुर लोक है, पुण्य का प्रकाश पाप के अंधकार से ढका हुआ है। इस संसार में कितने ही लोग देवताओं जैसे, फरिश्तों जैसे, दूसरों के हमदर्द, दूसरों के आंसू पोंछने वाले, और कितने ही राक्षस, लुटेरे, मार काट, आगजनी करने वाले। परमेश्वर तो अच्छे काम करने वाले लोगों को पसंद करता है।
आधा है देवलोक संसार, आधा है असुर लोक। आधा है देवलोक संसार, आधा है असुर लोक। पाप के अंधियारों से ढका पुण्य का आलोक, लाखों सितारों के बीच ये धरती एक छोटा सा तारा, एक छोटा सा तारा। अपने आप को परमेश्वर के बहुत निकट समझते हैं। उन लोगों में से किसी ने लाल कपड़े पहने हैं, किसी ने पीले, किसी ने काले, किसी ने सफेद पहने हैं, मगर अधिकांश मनुष्य जाति बुराइयों से और पापाचरण से सनी हुई है। किंतु किसी दूसरे को बुरा कहने से पहले हमें अपने ही दिल में झांकना चाहिए और हमारे भीतर जो बुराइयां हैं, जो दुर्गुण हैं, उसको पहले दूर करना चाहिए, तब दूसरों के विषय में सोचना उचित होता है। किसी के कपड़े लाल पीले, किसी के काले सफेद, किसी के कपड़े लाल पीले, किसी के काले सफेद। पापों में इंसान सने, पर पहले खुद को तो देख, लाखों सितारों के बीच ये धरती एक छोटा सा तारा, एक छोटा सा तारा। मुंह पे कुछ है, दिल में कुछ है, हम इंसानों की कौम कितनी बेशर्मी में डूब गई है। कभी एक ही इंसान राक्षस जैसा, पशु जैसा, हैवान और शैतान जैसा बन जाता है, कभी एक इंसान फरिश्तों जैसे काम करने लगता है। परमेश्वर उन्हीं लोगों को पसंद करता है जो संसार में भलाई के काम करते हैं। मुंह पे कुछ है, दिल में कुछ है, बेशरम है आदमी, मुंह पे कुछ है, दिल में कुछ है, बेशरम है आदमी। कभी शैतान, कभी फरिश्तों जैसा है ये आदमी, लाखों सितारों के बीच ये धरती एक छोटा सा तारा, एक छोटा सा तारा।
देवता जो स्वर्ग में निवास करते हैं परमेश्वर की अभ्यर्थना करते रहते हैं, उनमें जो प्रकाश चमकता है इस धरती पर, जो निर्मल हृदय वाले लोग हैं वे चाहे किसी भी मुल्क में हों, किसी भी गांव या शहर में हों, किसी भी परंपरा के लोग हों, उनके भीतर ईश्वर का प्रकाश झिलमिलाता है। और बेशक परमात्मा नेक लोगों से ही प्यार करता है, बदकारों से नहीं। देवताओं के स्वर्ग में जो चमके है प्रकाश, देवताओं के स्वर्ग में जो चमके है प्रकाश, निर्मल हृदय में वो ही चांदना चमके है दिन रात, लाखों सितारों के बीच ये धरती एक छोटा सा तारा, एक छोटा सा तारा। हम जीव आत्माओं को उस परम ब्रह्म ने, उस ईश्वर ने आसमान से बारिश की बूंदों की तरह इस दुनिया में भेजा। ईश्वर ने आत्माओं को मोतियों की तरह आसमान से इस धरती पर बरसाया और 84 लाख शरीरों में आत्मा की वो ज्योतियां प्रकाशित हो उठी। ईश्वर का प्रकाश ही उनमें झिलमिलाता है। ईश्वर ने बरसाए गगन से आत्माओं के मोती, ईश्वर ने बरसाए गगन से आत्माओं के मोती, 84 लाख शरीरों में चमकी उसकी ज्योति, लाखों सितारों के बीच ये धरती एक छोटा सा तारा, एक छोटा सा तारा। आदमी का दिल दरियाव है जिसमें हजारों लाखों अरबों खरबों लहरें उठती रहती हैं, तरह तरह के ख्याल तरह तरह के विचार उठते रहते हैं, किंतु जिसने उस परमात्मा के प्रेम के अमृत के घूंट को पिया है, उसके ऊपर उस प्रभु परमेश्वर की रहमतें बरसती हैं, उसका अनुग्रह बरसता है, दिल दरिया है जिसमें अरबों खरबों लहरें उठती, दिल दरिया है जिसमें अरबों खरबों लहरें उठती,
रुपया जिसने, रहमत उस पे बरसती। लाखों सितारों के बीच ये धरती एक छोटा सा तारा, एक छोटा सा तारा। अपने निर्माता उस रचियता परमात्मा के बारे में तरह तरह की बहस करना बेकार है। जिसके हृदय में उस परमात्मा के लिए प्यार है, जो पुण्य कर्म और सत्कर्मों में लगे हैं, उनके दिल प्रकाशित हो जाते हैं, रोशनी से भर जाते हैं। उस परमात्मा के बारे में सभी बहस बेकार, उस परमात्मा के बारे में सभी बहस बेकार। वो दिल रोशन हो गए जिस दिल में उसका प्यार, लाखों सितारों के बीच ये धरती एक छोटा सा तारा, एक छोटा सा तारा। जिसने अपने दिल की तख्ती पे उस परमेश्वर के नाम को लिख लिया, जो सबकी सेवा में दिन रात लगा रहता है, जो हृदय से विनम्र है, जो अहंकार नहीं करता, जो स्वार्थी नहीं है, जो किसी से लड़ने झगड़ने में विश्वास नहीं रखता, उसी को अनंत शांति और ईश्वर में विश्राम प्राप्त होता है। दिल की तख्ती पे लिखा जिसने प्रभु का नाम, दिल की तख्ती पे लिखा जिसने प्रभु का नाम, जो सबकी सेवा में लगा मिला उसे विश्राम। लाखों सितारों के बीच ये धरती एक छोटा सा तारा, एक छोटा सा तारा। जिसके हृदय के भीतर सभी मनुष्यों के लिए करुणा और प्यार का समुद्र उछलता रहता है, जो दूसरों के आंसुओं को पोंछता है, उसके दिल में अविनाशी ईश्वर का प्रकाश चमकता रहता है, उसका चिराग जलता रहता है। जिसके दिल के भीतर प्यार का सागर उछलता, जिसके दिल के भीतर
भीतर प्यार का सागर उछलता, औरों के आंसू पोंछता जो उस दिल में चिराग जलता, लाखों सितारों के बीच ये धरती एक छोटा सा तारा, एक छोटा सा तारा। अपने हृदय को पवित्र करो, शुद्ध करो, फिर हर एक हृदय में तुमको अपने ही जैसा उजाला दिखाई देगा। अगर तुम्हारी आंखों में प्यार है तो हर आंख में तुमको प्यार ही दिखाई देगा। तुम्हारी आंखों में ईर्ष्या, द्वेष, नफरतें हैं, तुम बुराइयों को देखना चाहते हो तो सब में बुराइयां, नफरतें भी तुमको मिलेंगी। जैसा अपना हृदय होता है वैसा ही सारे संसार में हमको चमकता रहता है। अपने दिल को साफ कर फिर हर दिल में वो ही चमके, अपने दिल को साफ कर फिर हर दिल में वो ही चमके। तेरी आँख में प्यार है तो हर आँख में प्यार चमके, लाखों सितारों के बीच ये धरती एक छोटा सा तारा, एक छोटा सा तारा। आत्मा रूपी दुल्हन है, एक दिन इसको उस परमात्मा रूपी पति प्रीतम के घर जाना पड़ेगा। एक न एक दिन तो जरूर इस धरती से हमारा डेरा उखड़ना ही है, इसलिए क्यों नहीं ऐसे काम करते जो उस सच्चे सृजनहार इस आत्मा के स्वामी को जो काम अच्छे लगे वो ही काम हमें करने उचित हैं। आत्मा रूपी दुल्हन को एक दिन प्रीतम घर जाना, आत्मा रूपी दुल्हन को एक दिन प्रीतम घर जाना, एक ना एक दिन इस धरती से डेरा उखड़ जाना, लाखों सितारों के बीच ये धरती एक छोटा सा तारा, एक छोटा सा तारा। इस धरती पर रहने वाले ना जाने किस लिए लड़ते झगड़ते रहते हैं, नफरतें, खून खराबे ना जाने किस लिए करते रहते हैं। मुर्गी बकरी पालते,
उन्हें दाना पानी खिलाते, एक दिन मार काट के खुद ही उन्हें खा जाते। जाहिलों के संग बैठ के क्यों अपने दिल को काला करते हो, उनका संग कीजिए जिनके हृदय में उजाला हो। जाहिलों के संग बैठ के क्यों करता है दिल काला, जाहिलों के संग बैठ के क्यों करता है दिल काला। उनका संग कीजिए जिनके दिल में उजाला। लाखों सितारों के बीच ये धरती एक छोटा सा तारा, एक छोटा सा तारा। वो इंसान सुख शांति और आत्मा का चैन नहीं पा सकता जो कल्पतरु को छोड़कर कीकर के बनों में धक्के खाता रहता है, अच्छे लोगों को छोड़ के जो बुरों की सोहबत करता है, अच्छे विचारों का त्याग करके जो अपने दिमाग में कूड़ा कबाड़ भरे रहता है, जिसकी वाणी बुरी है कुटिल है, जिसके कार्य राक्षसों जैसे हैं, वो मनुष्य ना तो इस धरती पर शांत रह सकता है और ना परलोक में परमात्मा के यहाँ उसको शांति प्राप्त हो सकती है। फुल संदे वाले बाबा कहें वो चैन कहाँ से पावे, फुल संदे वाले बाबा कहें वो चैन कहाँ से पावे। कल्पतरु को छोड़ जो की कर बन में धक्के खावे, लाखों सितारों के बीच ये धरती एक छोटा सा तारा, एक छोटा सा तारा। लाखों सितारों के बीच ये धरती एक छोटा सा तारा, एक छोटा सा तारा। इतने बड़े ब्रह्मांड का एक ही सृजन हारा, एक ही सृजन हारा। इतने बड़े ब्रह्मांड का एक ही सृजन हारा, एक ही सृजन हारा। लाखों सितारों के बीच ये धरती एक छोटा सा तारा, एक छोटा सा